अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानंद नजीब और आप देख रहे हैं फोरन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ जी नोवा विस्टा की लिवेथन 0.25 में 22 में, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। 25 में रिव्यू करने का मकसद ये था कि इसकी मैक्सिमम पावर हम कितनी ले सकते हैं इससे, क्योंकि ये पावरफुल एयर गन है। इसको मैंने आज टेस्ट किया है, अपने लिए मैं सेट कर रहा था तो मुझे अच्छी खासी पावर मिली है, तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो ही बना लेते हैं ताकि आप भाइयों को भी पता चले कि ये कितनी पावर दे सकती है। दोस्तों बाकी के फीचर तो मैं इसके 22 में बता चुका हूँ, 22 के रिव्यू में। तो ये एक बजट फ्रेंडली गन है, कोई ज़्यादा पायदार नहीं लगी मुझे। इसका स्टॉक भी देखें तो एक आम चीप से प्लास्टिक का है, लेकिन जो इसकी अच्छी बात है वो है इसकी पावर और इसकी एक्यूरेसी। तो 22 में इसको मैंने 22 के साथ भी इसके साथ मैंने शिकार किया है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिली है पावर भी। अब 25 के साथ इसको मैंने सेट किया है कि 25 के साथ देखें कि क्या ये करती है। तो इसको मैंने स्ट्रेच किया है, मतलब जितनी पावर मैं इसकी ले सकता था मैक्सिमम पावर लेने की कोशिश की है। तो इस वक्त इसका जो रेगुलेटर है ये वो है तकरीबन 200 बार पे सेट है और ये 300 बार तक आप इसको भर सकते हैं, जो कि भरी जा चुकी है। 180 सीसी का मेरे ख्याल में टोटल इसका सिलेंडर है। तो 300 बार से 200 बार के दरमियान में हमें कितनी ये शॉटें दे सकती है रेगुलेटेड, वो भी चेक करते हैं इसको, और फिर इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं कि हमें 50 यार्ड पे और 100 यार्ड पे कितनी एक्यूरेसी मिलती है JSP 25.39 ग्रेन के पैलेट के साथ। और इसके अलावा हम स्लग भी इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। 25 ग्रेन के छरे तो आप देख चुके हैं, मैं आपको ये स्लग दिखा दूँ, HNN के स्लग HP हैं ये जी, और ये हैं जी स्लग HP 25 हेड साइज़, इनका 25 ही है, 120 स्लग हैं टोटल इसके अंदर होते हैं। स्लग की मैं दिखा दूं आपको, क्वालिटी अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, हॉलो पॉइंट है आगे से। तो इसके साथ हम इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। ये आप हमसे ख़रीद सकते हैं, ये हमारे पास दस्तियाब हैं जी, नीचे नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप करें हमें और अपनी पसंद के सलाग आप ले सकते हैं। तो जी एक्यूरेसी हम टेस्ट करेंगे, दूसरा कैमरा मेरे पास नहीं है इस वक्त, इसी कैमरे को हम इस्तेमाल करेंगे और फिर ये साइड शॉट के साथ हम एक्यूरेसी इसकी टेस्ट करेंगे GoPro लगा के। हम अभी हम इसकी क्रोनी करते हैं कि 25.39 ग्रेन के पैलेट के साथ ये कितने FPS दे रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, मज़ल वेलोसिटी जी। मैं यही कैमरा यहाँ पे लगाता हूँ जी। जी दोस्तों पहली शॉट लेते हैं हम, 983 FPS की हमें पहली शॉट मिली है, 981। याद रखिए जी ये 25 ग्रेन का पैलेट है और 982 जी, 8 छोरों का मैगजीन है तो हमारे 8 शॉटें मिल गई हैं हमें। जी ये ड्राप हो गया, 942 ड्राप होना शुरू हुआ है, 55 41। अच्छी खासी पावर है जी, 968 FPS, 1000 FPS तक आप ले सकते हैं। थोड़ा सा रेगुलेटर को मज़ीद बढ़ाएंगे, इसके हैमर को मज़ीद टाइट करें तो 1000 FPS तक मैंने लिए हैं इसके साथ, लेकिन शॉट काउंट बहुत कम है क्योंकि सिलेंडर इसका छोटा है, तो मैक्सिमम 2 मैगजीन चला सकते हैं आप, 8-8 चरों के टोटल 16, उसमें से भी 14 जो शॉटें हैं वो तकरीबन एक ही वेलोसिटी के साथ
मिलती हैं हमें। जब आप पावर लेते हैं तो फिर शॉर्ट काउंट के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है इसी सेटअप के साथ। मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, इन सिलेंडर के नीचे बड़ी बोतल भी लगा सकते हैं, लोगों ने लगाई हुई हैं, तो उससे शॉर्ट काउंट बढ़ सकते हैं। इसको जो फेल करते हैं दोबारा और एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं 50 यार्ड पे और 100 यार्ड पे भी इसको आजमाते हैं सलाख के साथ। जी दोस्तों 50 यार्ड पे इसको टेस्ट करते हैं एचपी स्लग एचपी के साथ, एजन के स्लग एचपी। शुरू करते हैं। नौ सौ सोलह एफपीएस दे रही है 28 ग्रैन के सलाह के साथ। जी दोस्तों 25 ग्रैन के साथ इसको टेस्ट करते हैं जीएसपी के 25.39 ग्रैन के साथ। ये जी तीन बैच का पैलेट है, इसके साथ देखते हैं कैसी एक्यूरेसी मिलती है हमें। हाँ जी जीरो मैंने किया हुआ है इसके सलाख के साथ, तो थोड़ा ये दाएं इसने मारा है तो इसको नीचे करते हैं। हम इसको ले आते हैं जी बिल्कुल, हम शूट करेंगे इसको दूसरे मेलडार पे दाएं जानेब दूसरी बड़ी लकीर पे, यानी के बुलदाय लगा है अब। कम वाले को रसी जी कमाल पावर जी, कमाल एक्यूरेसी मिली हमें, कोई 0.59 कहाँ गया कैमरा, ये 0.59 का ये ग्रुप है और जो है सलग का ग्रुप है जी वो खुला है, वो कोई 1.25 का है। 100 यार्ड पे इसको सलग के साथ आजमाते हैं।
ये है जी 100 यार्ड का रिजल्ट स्लग एचपी के साथ, 28 ग्रेन का स्लग है। अच्छा रिजल्ट है जी, ये तकरीबन कोई 1.5 इंच में है, 1.57 इंच 100 यार्ड पे जी। जी दोस्तों रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं इसके, 50 यार्ड पे भी और 100 यार्ड पे भी। थोड़ी क्वालिटी लो है इसकी, ये इसका बैरल का बैंड भी देखें तो इसके शॉट को फिक्स नहीं करता, ये हिलता रहता है। ये भी फिक्स हो तो मज़ीद एक्यूरेसी इसकी बढ़ सकती है, इसको फिक्स किया जा सकता है। इसके साथ मैं करूँगा मॉडिफिकेशन। और इसकी जो एक खामी है वो ये है कि इसका सरंडा छोटा है, शॉटगन बहुत कम मिलती है हमें। 2.2 में तो ये बहुत अच्छी खासी शॉटें देती है, लेकिन 2.5 में अगर हाई पावर आप लेते हैं तो फिर उतनी शॉटें आपको नहीं मिल पाएंगी जितनी की आप तवक्का कर रहे हैं। ये थी जी, आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।